राजेश ऑडियो कैसेट यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राजेश कुमार का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए आपको कुछ वीसीडी और डीवीडी की कैसेटें दिखाते हैं जो सेल हो गई हैं। ये वीसीडी और डीवीडी की कैसेटें जाएंगी मुंबई महाराष्ट्र, और ये वीसीडी और डीवीडी की कैसेटें जाएंगी कोलकाता। चलिए आपको एक एक करके वीसीडी और डीवीडी की कैसेटें दिखाते हैं। पहली वीसीडी की कैसेट है मोजर बेयर कंपनी में, फिल्म का नाम है ये तेरा घर ये मेरा घर। ये सुनील शेट्टी जी की फिल्म है और ये कॉमेडी फिल्म है जो बहुत ही सुपर हिट हुई थी। सुनील शेट्टी जी की फिल्म इसमें हीरोइन थी महिमा चौधरी, बहुत ही शानदार फिल्म है ये, कॉमेडी से भरपूर। आगे है मोजर बेयर कंपनी में गोविंदा जी की बहुत ही शानदार फिल्म हथकड़ी, जिसमें हीरोइन थी शिल्पा शेट्टी और मधु। आगे है मोजर बेयर कंपनी में गोविंदा की कॉमेडी फिल्म बनारसी बाबू, जिसमें हीरोइन थी रमैया। आगे है मोजर बेयर कंपनी में फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, जिसमें हीरो थे अक्षय कुमार सैफ अली खान। इस फिल्म के गाने बहुत मशहूर हुए थे और फिल्म भी बहुत ही शानदार फिल्म थी। आगे है मोजर बेयर कंपनी में अक्षय कुमार की एक्शन से भरपूर फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी, जिसमें अक्षय कुमार के साथ थी हीरोइन ममता कुलकर्णी। आगे है सिमारू कंपनी में फिल्म आ अब लौट चलें, जिसमें हीरो थे अक्षय खन्ना और साथ में नजर आए थे राजेश खन्ना, और इसमें हीरोइन थी ऐश्वर्या राय और सुमन रंगनाथन। बहुत ही शानदार फिल्म है ये अक्षय खन्ना जी की। आगे है मोजर बेयर कंपनी में सुपर डीवीडी में गोविंदा जी की फिल्में, पहली फिल्म है गोविंदा की आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये कॉमेडी से भरपूर फिल्म थी। दूसरी फिल्म है गोविंदा की फिल्म राधा का संगम, जिसमें गोविंदा के साथ थी हीरोइन जूही चावला। और तीसरी फिल्म है गोविंदा जी की कॉमेडी से बहुत भरपूर शानदार फिल्म दीवाना मस्ताना, इसमें बहुत ही बढ़िया कॉमेडी दिखाई गई थी और इस फिल्म के गाने भी बहुत मशहूर हुए थे। इसमें मेहमान भूमिका में नज़र आए थे सलमान खान। इसमें गोविंदा के साथ थे हीरो अनिल कपूर और हीरोइन थी इसमें जूही चावला। बहुत ही शानदार फिल्में हैं तीनों ही गोविंदा जी की। आगे है मोजर बेयर कंपनी में सनी देओल जी की सुपरहिट फिल्में, पहली फिल्म है जोर, दूसरी फिल्म है फर्ज और तीसरी फिल्म है जीत। इसमें सनी देओल जी के साथ थे हीरो सलमान खान। बहुत ही सुपरहिट फिल्में हैं तीनों ही सनी देओल जी की। आगे है मोजर बेयर कंपनी में सनी देओल जी की फिल्में, पहली फिल्म है घायल, दूसरी है हिम्मत और तीसरी है फर्ज। तीनों ही शानदार फिल्में हैं ये भी सनी देओल जी की। आगे है मोजर बेयर कंपनी में अक्षय कुमार की फिल्में, पहली है इंसाफ द फाइनल जस्टिस, दूसरी है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और तीसरी है जय किशन। तीनों ही एक्शन से भरपूर फिल्में हैं ये अक्षय कुमार जी की। आगे है मोजर बेयर कंपनी में डीवीडी में पहली फिल्म है इसमें खुदगर्ज, जिसमें हीरो थे जितेंद्र
शत्रुघ्न सिन्हा और गोविंदा। दूसरी फिल्म है ताकतवर, जिसमें हीरो थे गोविंदा और संजय दत्त। और तीसरी फिल्म है गोविंदा जी की बहुत ही शानदार फिल्म छोटे सरकार। तीनों ही गोविंदा जी की बहुत ही सुपरहिट फिल्में रही हैं ये। आगे है गोविंदा जी की कॉमेडी फिल्में। पहली फिल्म है राजा बाबू, दूसरी है आंटी नंबर वन और तीसरी फिल्म है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ में गोविंदा जी के साथ थे अमिताभ बच्चन। तीनों ही बहुत ही कॉमेडी से भरपूर फिल्में हैं ये, और तीनों ही फिल्मों में बहुत ही लाजवाब गाने हैं। आगे है प्रिया कंपनी में मिथुन चक्रवर्ती और जॉनी लीवर की फिल्म हीरा लाल पन्ना लाल। दूसरी फिल्म है सलमान खान और अरबाज खान की हेलो ब्रदर। और तीसरी फिल्म है सैफ अली खान और संजय दत्त की फिल्म नहले पे दाला। तीनों ही कॉमेडी से भरपूर फिल्में हैं ये। आगे है ईगल कंपनी में सुनील शेट्टी जी की एक्शन से भरपूर फिल्में। पहली फिल्म है आगाज, दूसरी है विनाशक, तीसरी है कहर और चौथी है पृथ्वी। तीनों ही बहुत ही शानदार फिल्में हैं ये सुनील शेट्टी जी की। आगे है अल्ट्रा कंपनी में रोमांटिक फिल्में। पहली फिल्म है राजा, जिसमें हीरो थे संजय कपूर। दूसरी फिल्म है आमिर खान जी की बहुत ही शानदार फिल्म मन। और तीसरी फिल्म है अनिल कपूर की फिल्म रिश्ते। तीनों ही बहुत ही सुपरहिट फिल्में हैं ये, और तीनों ही फिल्मों में बहुत ही लाजवाब गाने हैं। आगे है अल्ट्रा कंपनी में डीवीडी में, इसमें पहली फिल्म है लेडीज टेलर, दूसरी है दूल्हे राजा और तीसरी फिल्म है मस्ती। दूल्हे राजा गोविंदा जी की बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई है। इस फिल्म के सारे गाने बहुत ही सुपरहिट थे। और मस्ती फिल्म थी अजय देवगन जी की, आफ्ताब शिवदेसानी जी की, विवेक ओबराय जी की। और तीनों ही बहुत ही शानदार फिल्में हैं ये। आगे है अल्ट्रा कंपनी में पहली फिल्म है इसमें विवाह, दूसरी है इसी लाइफ में और तीसरी है सिलसिला है प्यार का। चंद्रचूड़ जी की बहुत ही शानदार फिल्म है ये। विवाह फिल्म है शाहिद कपूर जी की, ये भी बहुत ही रोमांटिक फिल्म है। आगे है सोनी म्यूजिक में अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती जी की बहुत ही सुपरहिट फिल्म अग्निपथ। दूसरी फिल्म है सलमान शाहरुख खान की फिल्म डुप्लीकेट, इसमें शाहरुख खान जी ने डबल रोल निभाया था। और तीसरी फिल्म है ऋषि कपूर और दिलीप कुमार की फिल्म दुनिया। आगे है मोजर बेयर कंपनी में अजय देवगन की फिल्में। पहली फिल्म है धनवान, दूसरी है तेरा मेरा साथ रहे और तीसरी फिल्म है जख्म। तीनों ही बहुत ही शानदार फिल्में हैं ये अजय देवगन जी की। आगे है ईगल कंपनी में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा, दूसरी फिल्म है मिथुन चक्रवर्ती की जल्लाद और तीसरी फिल्म है मुजरिम। तीनों ही मिथुन चक्रवर्ती जी की बहुत ही सुपरहिट फिल्में हैं ये। आगे है यशराज बैनर की फिल्में। पहली फिल्म है चांदनी, दूसरी फिल्म है काला पत्थर और तीसरी फिल्म है नूरी। चांदनी फिल्म में हीरो थे विनोद खन्ना, ऋषि कपूर। और काला पत्थर में हीरो थे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर। आगे है सिंगल डीवीडी में फिल्म अजय देवगन की गैर, ये भी बहुत ही शानदार फिल्म है। इस फिल्म के भी गाने बहुत मशहूर हुए थे और ये एक एक्शन से भरपूर फिल्म थी। बहुत ही बढ़िया गानों से सुसज्जित फिल्म है ये। आगे है अभिषेक बच्चन की फिल्म सिंगल डीवीडी में बाबा म्यूजिक में बोल बच्चन, इसमें अभिषेक बच्चन के साथ थे अजय देवगन। दूसरी फिल्म है अल्ट्रा कंपनी में, इसमें पहली फिल्म है इसमें रिश्ते, दूसरी है बेटा और तीसरी है
कसम, तीनों ही अनिल कपूर जी की बहुत ही सुपरहिट फिल्में हैं ये। आगे है सिंगल डीवीडी में फिल्म फिर हेरा फेरी, जिसमें हीरो थे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल। आगे है सिमारू कंपनी में वीसीडी में ऋतिक रोशन और संजय दत्त की फिल्म मिशन कश्मीर। आगे है लारा वीडियो में नसरुद्दीन शाह और अतुल अग्निहोत्री की फिल्म सर, इसमें हीरोइन थी पूजा भट्ट। आगे है सिमारू कंपनी में डीवीडी में, इसमें पहली फिल्म है फिर हेरा फेरी, दूसरी है आवारा पागल दीवाना और तीसरी फिल्म है मेरे बाप पहले आप। तीनों ही कॉमेडी से भरपूर फिल्में हैं ये। फिर हेरा फेरी में हीरो थे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, और आवारा पागल दीवाना में हीरो थे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफ्ताब सिंह देसानी, और मेरे बाप पहले आप में हीरो थे अक्षय खन्ना। बहुत ही शानदार फिल्में हैं ये और तीनों ही कॉमेडी से भरपूर फिल्में हैं ये। आगे है सिंगल डीवीडी में बाबा म्यूजिक में फिल्म भागम भाग, ये कॉमेडी से भरपूर फिल्म थी, इसमें हीरो थे अक्षय कुमार, गोविंदा। और आज की आखिरी कैसेट है कैप्टन कंपनी में हॉरर फिल्म, इसमें पहली फिल्म है कब्रिस्तान, दूसरी है महल और तीसरी फिल्म है सामरी। तीनों ही हॉरर फिल्में हैं ये। तो ये थी कुछ वीसीडी और डीवीडी कहते हैं जो शेयर हो चुकी हैं, जो बत्ता हरियाणा से मुंबई और कलकत्ता जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड बाय।